गुजरात से। आपको बता दें द्वारिका का इलाका है, लगातार गांव के हम दौरे कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव इस तरीके से ज्यादा यहां पर है, क्योंकि भाटिया गांव से जब मैं चल रही थी तो ये तमाम इलाके भाटिया गांव के हैं जहां पर जल सैलाब जो है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक आप बिजली का पोल भी सामने देख पा रहे होंगे, बिजली के पोल टूट चुके हैं और पानी का बहाव आप देखिए कि किस तरीके से तेज है पानी का बहाव, और लगातार जो है ये पानी का बहाव अब घरों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे घर है जहां पर पानी पहुंच रहा है, कुछ दुकानें हैं जहां पर पानी पहुंच चुका है, तो आप देखिए कि किस तरीके से जल सैलाब के बाद नुकसान जो है वो बड़ा होता नजर आ रहा है। सौराष्ट्र इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, यही वजह है कि रेड और ऑरेंज अलर्ट गुजरात में जारी किया गया था, लेकिन तस्वीरें आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जनजीवन का संकट जो है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए बाढ़ और बारिश का पानी किस तेजी से लोगों के घरों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो लबालब पानी से भर चुकी है, तालाब में तब्दील हो गई है। ये कहना मुश्किल है कि सड़कें हैं या तालाब है, क्योंकि पानी जो है वो लगातार बाढ़ और बारिश का पानी लगातार गुजरात के कई हिस्सों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने है, ये कहने के लिए कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सौराष्ट्र के कई इलाकों में जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हम भी लगातार कई गांव के दौरे कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का तेज बहाव अब लोगों के घरों तक जाता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे इलाके आप ये घर देखिए, यहाँ पर भी ताला जो है वो लग गया है, मजबूरन लोगों को अब अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि घरों तक पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर सिर्फ गुजरात के इस गांव की या द्वारिका की नहीं है, पोरबंदर इलाके की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, जामनगर की बात करें, कच्छ की बात करें, वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का बहाव या बाढ़ का पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब लोगों का जनजीवन जो है उस पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो गांव को जोड़ते हैं वो टूट चुके हैं, रास्तों में पानी आ गया है, घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, कई फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। सीधे तौर पर आपको बताऊं तो ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 इंडिया की टीम आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अब घरों तक जो है वो बाढ़ का पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से घरों में पानी घुस गया है। आज भी मैं लगातार जो है दौरे कर रही हूँ और गांव-गांव जाकर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से गांव की जो सड़कें हैं वो टूट रही हैं क्योंकि लगातार जो है उन्हें पानी भर गया है। अभी फिलहाल जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ये भाटिया गांव के पास का एक इलाका है जहां पर ये देखिए आप किस तरीके से तेज बहाव से जो पानी है वो लगातार अब घरों के अंदर भरता हुआ नजर आ रहा है। तकलीफ इतनी ज्यादा है लोगों की कि किस तरीके से अब अपने जनजीवन को पटरी पर लाएं, किस तरीके से इस पानी के बहाव से वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या अपने कामों के लिए जाएं, स्कूल जाने के लिए बच्चों को भी तकलीफें हो रही है। आपको बता दें कि लगातार गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, 8 से 10 तारीख को ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया था, और यही वजह है कि लगातार रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन आप देखिए जो बारिश हो रही है, अनुमान जो लगाया गया था वैसे ही जामनगर से जूनागढ़, कच्छ, नवसारी, वलसाड ऐसे इलाके हैं जहां आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है उनको तैनात किया गया है क्योंकि तस्वीरें जो है वो खौफजदा है, लोगों के जहन में डर बस गया है क्योंकि लगातार पानी का बहाव, बारिश और बाढ़ का जो बहाव है वो लगातार अब नुकसानदेह हो रहा है, लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है, आशियाने तबाह हो रहे हैं। ऐसे में स्थिति जो है लगातार तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये स्थिति अब पैदा हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं क्योंकि बाढ़ का पानी और बरसात का पानी या जल प्रहार कहें वो लगातार लोगों को तकलीफें दे रहा है। ताला आपको इस घर पर नजर आ रहा होगा, आप देखिए लोगों की परेशानी इतनी है कि अब लोगों को ताला लगाकर मजबूरी में ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्कूल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि यही वो रास्ता है जहां पर बच्चों को रोजमर्रा इसी पानी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए ना, मजबूरी बच्चों की इतनी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पानी से रोजाना जा नहीं सकते, हमें भी
भी चलने में तकलीफ हो रही है, ऐसे में बच्चे डर से या उनके माता पिता उन्हें डर की वजह से भेज नहीं रहे हैं। स्कूल का और गेट आप देख पा रहे हैं, आप देखिए ना पानी कितना भरा हुआ है, घरों में अब ताला लग गया है। मजबूरी देखिए आपकी, लोगों की मजबूरियां या उनका दर्द समझिए, क्योंकि ताले अब लोगों के घरों में लग गए हैं क्योंकि तकलीफें और परेशानियां तो लगातार बढ़ती हुई। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? चार पांच दिन से। आपका भी बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आने में दिक्कत बहुत रहती है। हाँ, 10 साल से ऐसा ही चल रहा है। ये 10 साल से ऐसी स्थिति है। आप स्कूल में जाते? हाँ, स्कूल गए थे? गए थे। लेकिन मुश्किल पानी की वजह से मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें होती हैं, स्कूल जाने के लिए मुश्किल होती है। तो आप देखिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डर है उन्हें कि वो स्कूल कैसे जाएं, माता पिता को भी कहीं ना कहीं डर है। हमारी तकलीफ भी आप देख पा रहे हैं, नीचे पूरी सड़क में पत्थर ही पत्थर हैं। बहुत બિચારા માં બાપ મૂકવા આવે અહીંથી તો દખતર લઈને હેઠા પડી જાય છે, હાલી નથી હકતા આમાંથી। દેખીએ આપ સમજીએ, કે છોટે છોટે બચ્ચે હૈ વો કેસે ઇસ પાણી સે ગુઝર કર આયેંગે, તકલીફ બડી હૈ લેકિન બચ્ચો કી સમસ્યા કો કોન સમજે। લેકિન નેટવર્ક 18 ઇન્ડિયા કી ટીમ એક્સક્લુઝિવલી આપકો યે તસવીરે દિખા રહી હૈ ભાટિયા ગાંવ કી। एक स्कूल पीछे है और स्कूल तक बच्चे कैसे पहुंचे, उनकी तकलीफ जो है वो बड़ी है। असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम के 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर सैलाब, उफान पर नदियां और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के पास ना तो खाना है, ना पानी, ना ही बिजली, जो है वो सिर्फ बाढ़ से मची तबाही। बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की दास्तान। ये वक्त असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यू सिटी ने असम पूर्वोत्तर ने फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम से विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी अपील है कि असम मुख्यमंत्री के राहत कोष में दान करें। न्यू सिटी कि इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तारीफ भी की है। न्यूज 18 के इस विशेष पहल से आप भी जुड़े और जरूरत के समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हों। आपका छोटा सा योगदान लाखों जिंदगियां बचा सकता है, इसलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों की संकट के इस समय में मदद करें। आई एक्सप्रेस माय डीप ग्रेटिट्यूड टू न्यूज 18 फॉर ब्रिंगिंग national concern for the flood victims of Assam.